क्या कॉस्टिंग पड़ा था आपको इसका? इसका इसका ये शोरूम प्राइस था 1,28,000। इसमें एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका मीटर कभी कभी गलत, अच्छा स्पोर्ट मोड में ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, उसका एक ड्रॉबैक है ये, इसका ये मीटर कभी कभी गलत बताता है। अच्छा, मीटर गलत बता देता है ना ये थोड़ा। चलाने में आपको कैसा लग रहा, मतलब हवा है, उड़ता है? 1,50,000 रुपये आपको लग गया इसका? हाँ जी। तो 1,50,000 में मतलब क्या वैल्यू फॉर मनी आपको लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम होना चाहिए? 10-20,000 थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा है। 10-20,000 ज्यादा है। बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये बट खान पेंदे पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं दंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली कीड़ा करदा है तंग मेनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली करदा है तंग कीड़ा दस बल्ली हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पास फिर से एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जैसा कि देख सकते हैं ये एक TVS ब्रांड का है। पहले हम लोग ओला का भी रिव्यू कर सकते हैं, उसके पहले भी मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू किया था, तो ओला का तो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। लेकिन ये भी अभी TVS का जो आया है iQube, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में मार्केट में चल रहा है। तो काफ़ी मतलब परेशानियों के बाद ये गाड़ी हम लोग का हाथ आया, तो इसका हम लोग आज ओनरशिप रिव्यू सिर्फ आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो बहुत ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना देरी किए हम लोग इसके ओनर को बुलाते हैं और सारा जानकारी लेते हैं कि कितने में ली है, क्या मतलब कितने देर में चार्ज होती है, चलाने में कैसा लग रहा है, रोड प्रेजेंस कैसा है, तो सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो बिना देरी किए इसके ओनर को बुलाते हैं, तो आ जाइए। तो इन्हीं का ये स्कूटी है, सबसे पहले आपको वेरी वेरी कांग्रेस नए इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए। तो कितने दिन पहले ये स्कूटी को आप परचेस किए? एक महीने पहले। अच्छा, तो क्या कॉस्टिंग पड़ा था आपको इसका? इसका ये शोरूम प्राइस था 1,28,000। 1,28,000 इसका चार्जर पड़ा हमको 10,000 का, 10,000 के आसपास। अच्छा, और वारंटी मिला के सीट कवर हेलमेट सब लेके, अच्छा, बैटरी का वारंटी लेके ये टोटल 1,50,000 पड़ गया। अच्छा, मतलब कि 1,28,000 गाड़ी का प्राइस था। हाँ। और सारा कुछ एसेसरीज वगैरह लगा के वारंटी चार्जर का 10,000 रुपया आपको लगा। हाँ। सारा कुछ मिला के आपको 1,50,000 रुपया पड़ गया। हाँ जी। अच्छा, मतलब काफी कॉस्टली आ रहा है बाइक। हाँ, स्कूटी इलेक्ट्रिक। हाँ, स्कूटी भी ओला के जैसे कि 1,20,000 रुपया पड़ा था, इसका मतलब 1,50,000 पड़ जा रहा है। तो ओला का तरफ अब क्यों एक बार सोचे कि नहीं कि ओला का स्कूटी भी चल रहा है इलेक्ट्रिक का, तो उसका ओला का उतना गुडविल नहीं है मार्केट में, और TVS है तो इसका शोरूम भी सामने है, तो जाके देख सकते हैं कुछ गड़बड़ होगा तो। और TVS पे थोड़ा सा ये ब्रांड वैल्यू भी है इसीलिए। अच्छा अच्छा, मतलब कि ओला का मतलब सर्विस वगैरह का टेंशन था। हाँ, मतलब शोरूम है नहीं तो सर्विस कहाँ कराएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कहाँ जाएंगे। हाँ, TVS जो हम लोग का अपना चला आ रहा है मार्केट में, शोरूम वगैरह सब है। हाँ जी, इसीलिए आप TVS की तरफ गए। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में और भी सारा कुछ कुछ ब्रांड है अभी चल रहा है, उस सब के बारे में सोचे थे या डायरेक्ट से उठा लिया? ओला चलिए, TVS और ओला। ओला का उतना पता, ओला और TVS ही सुने थे और सुने नहीं थे। और एक दो ब्रांड है मतलब कि एक बजाज चेतक है। हाँ, बजाज चेतक है, और भी एक दो मैंने रिव्यू किया हुआ, उसका नाम मुझे शायद क्या था, नाम याद नहीं है, लेकिन एक दो छोटा मोटा ब्रांड है वो। और मतलब उतना स्पीड उस समय नहीं है, कम स्पीड है, लेकिन ये समय थोड़ा पिकअप ज़्यादा है और थोड़ा बोल्ड दिखती है। तो आप दो के बारे में जान रहे थे, ओला और iQube। हाँ जी। तो ओला मतलब कि सर्विस वगैरह नहीं था इसलिए छोड़ दिया, इसको ले लिए। हाँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब कि कितना दिन पहले लिए थे गाड़ी को? एक महीना हो गया मेरे को। एक महीना हो गया तो एक महीना में कितना किलोमीटर चलाए आप? 600 पार। 600 पार चला दिए। हाँ। वाह, अच्छा खासा चला रहे, मतलब यूज पूरा इसको, पैसा अच्छा बचा रहे लग रहा है पूरा। एक दिन का कितना किलोमीटर रनिंग है आपका? एक दिन का ऑन एवरेज 15-20। 15-20। हाँ। तो आप ज़्यादा तेल नहीं बचा पा रहे। 100 किलोमीटर कितना रेंज बोले थे? 80। रेंज इसका 100। फुल चार्ज पे 105 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन चलता है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें मोड्स वगैरह भी है क्या? हाँ, दो मोड है। दो मोड है, एक ये पावर मोड है। अच्छा,
तो थोड़ा सा इधर हम लोग आइएगा, आपको दिखाते हैं। इसमें दो मोड्स हैं जैसे कि बताया जा रहा, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ आ जाता है क्या? ऐप इसका कनेक्ट करके रखा। अच्छा ठीक है, तो अभी मतलब कि दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पर 47% बैटरी दिख रहा है, तो उसमें देख सकते हैं 65 किलो। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो मोड्स है, जैसे कि ये वाला आपका पावर बटन है ना? नहीं, पावर बटन ये है। तो ये कौन सा, ये क्या? वो हेडलाइट है, वो हेडलाइट है। हाँ, वो। ये वाला मोड का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है, मतलब ऑन है। हाँ, यहाँ से आप वो ये स्टैंड हटाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ऑन कीजिए, यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गया। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मोड है आपका, ये वाला आपका इको मोड में है। इको मोड में आप देख सकते हैं अभी 65 किलोमीटर और चलेगा गाड़ी, है ना? हाँ जी, 65 किलोमीटर और चलेगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ओडोमीटर, ट्रिपोमीटर, एवरेज, और इसका बाद एक और मोड है, ये हो गया स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में आपकी चलेगी 75। इसमें एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका मीटर कभी कभी गलत। अच्छा, स्पोर्ट मोड में ज़्यादा दिखा रहा है। हाँ, उसका एक ड्रॉबैक है ये, इसका ये मीटर कभी कभी गलत बताता है। अच्छा, मीटर गलत बता देता है ना, ये थोड़ा दिक्कत वाला इशू हो गया। तो फिर कहीं इसको लेकर फंस नहीं जाएंगे रास्ता? नहीं नहीं, फंसेंगे नहीं। 75 किलोमीटर सोच के चलते रहे। अब जैसे एवरेज स्पीड चलाएंगे वैसे वैसे वो किलोमीटर बताएगा, सही आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चलाते समय। हाँ ठीक है, इसमें फीचर्स क्या क्या मिल रहा है आपको? जैसे कि इसमें फीचर्स ऑन कीजिए, बताते हैं। तो हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गया। उसमें फीचर एक ये पावर मोड है और एक इको मोड है। पावर मोड में आपका मिल जा रहा है आपको, और पावर मोड में आपका हम जहाँ तक चलाए हैं 80 किलोमीटर स्पीड देता है, 80 का स्पीड देता है। अभी हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे। हाँ, ठीक है। और ये इको मोड में 50 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जाता, 48-50। अच्छा, इको में 40-50 और पावर में 80 तक जाता है। हाँ जी। और इको में कितना रेंज है, मतलब कितना किलोमीटर? इको में रेंज आपका 95-100 चल जाता है। और स्पोर्ट में चलाएंगे 70-75। हाँ, अच्छा सही बात है। और क्या इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है? हाँ, ये ऐप से कनेक्ट होता है। ऐप है इसका भी? हाँ, इसका ऐप भी है। कौन सा ऐप है? ये TVS iQube। TVS iQube जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर TVS iQube। इसके बाद क्लोज दे रहा है, क्या करें? वो ब्लूटूथ ऑफ है, वो दिख रहा है। कैंसिल। यहाँ से क्या क्या इसमें आपको सिस्टम मिला है देखिए? यहाँ से कनेक्ट करना मेरे को, ये मेरे को वो बता रहा है। ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया ना? नहीं, क्या दिखा रहा है? लोकल लोकेशन सर्विस एरर वोंट बी कैप्चर्ड इन द बैकग्राउंड। अच्छा, कनेक्ट होने के बाद क्या क्या इसमें कनेक्ट? इसके बाद कनेक्ट होने के बाद इसमें दिखाता है गाड़ी कितने स्पीड पे, वो सेम चीज इसमें जो स्क्रीन में दिखाता है वही सेम चीज दिखाता है। अच्छा, कनेक्ट के बाद यहाँ पर ये दिखाएगा कॉल वगैरह सब इसमें आ जाता है? हाँ, कॉल वगैरह सब आता है, मैसेज सब शो करता है, चार्ज कितना परसेंट है, ये सब शो हो जाएगा ना। और नेविगेशन ऑप्शन भी है इसमें, नेविगेशन भी है, वो एक बार दिखा देते हैं ना तो अच्छा रहता है। कनेक्ट करके दिखा देते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको कनेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आप ही बता दीजिए एक बार। ये बता चलेगा कितना ये ऑन करने के बाद हम कितना इसको चलाए, कितना स्पीड में चला, वो सब नेविगेशन ऑप्शन है। नेविगेशन यहाँ पे दिखाइए तो कहते हैं, मतलब ऑन कीजिए उसको। तो देखिए फ्रेंड, नेविगेशन इसमें ऑन हो चुका है। जैसे यहाँ पर टर्न बाय टर्न वाला है, पूरा स्क्रीन में जैसे ओला में आपको दिख रहा है वैसा यहाँ सीन नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे आगे जाके कितना मीटर पर लेफ्ट मुड़ना राइट मुड़ना वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इससे भी काम हम लोग का हो जाएगा, जैसे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें क्या क्या फीचर, कॉल वगैरह आएगा तो इसमें उठ जाएगा? ये कॉल वाला तो हम टेस्ट नहीं किए, जैसे कि मैंने इसको फ़ोन किया और यहाँ पर उठाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पता चल रहा है लास्ट में नंबर देख के किसका फ़ोन है। अगर जो परेशान कर रहा है उसको फ़ोन आ रहा है तो नहीं उठाना है पॉकेट से निकाल के तो उठाने का ऑप्शन नहीं है गाइस। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि नाम भी शो नहीं होगा, सिर्फ नंबर शो हो जाएगा। तो बस, और कुछ फीचर्स है क्या इसमें? तो इसमें क्या म्यूजिक सिस्टम है कुछ? नहीं, म्यूजिक सिस्टम नहीं है। म्यूजिक नहीं, ओला में जैसे म्यूजिक मिल रहा है इसमें नहीं है। अच्छा, और इसका बूट स्पेस मोबाइल से खुलता है या? नहीं नहीं, ये नॉर्मल चाबी से ही खुलता है। अच्छा, खोल के दिखा दीजिए एक बार। ये रहा चाबी। अच्छा, बूट स्पेस देख सकते हैं उतना नहीं है, ओला का पूरा खाली था एकदम, बैटरी है। आप लोग भी देखे थे ओला का कितना बूट स्पेस था, हैवी था ये नहीं, उसमें दो हेलमेट हट जा रहा था, फिर भी ठीक है। बैग वगैरह नहीं हटेगा उसमें, बैग वगैरह मेरा पूरा बैग हट जाता था टोटल कंप्लीट, लेकिन ठीक है, हेलमेट तो हट जाएगा ना। हाँ, सब्जी वगैरह सब आ ही जाएगा, वो सब नॉर्मल सामान हटा लेंगे। ठीक है, आवाज करेगा वो, लगा लो। हो गया। हाँ, तो उसके बाद आगे का हेडलाइट हम लोग आपको दिखा देते हैं। आगे का सब LED सेटअप मिला हुआ है, एक बार आगे का हेडलाइट आप लोग लाइट देख सकते हैं, LED DRL से आपको, ये भी LED का मतलब हेलोजन कोई नहीं है।
अच्छा, रात में विजन कैसा है उसका, लाइट का? बहुत अच्छा है, ठीक है। ठीक है, कम रोशनी वगैरह कम तो नहीं दिखता? नहीं, नहीं, सही है, सब सही है। सही है, हाँ। अच्छा, और जैसे कि चलाने में आपको कैसा लग रहा, मतलब हवा है, उड़ता है? अरे मतलब कि रोड में चलते हैं तो पूछता होता है क्या कितना? हाँ, रोड में पूछते रहता है। पब्लिक रिएक्शन क्या? हाँ, पूछता है कितना पड़ा, इलेक्ट्रिक है, टीवीएस का है क्या, चला के देखे क्या, मांगता है, देते नहीं है, भाग जाते वहाँ से। अच्छा, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको प्रॉब्लम क्या लग रहा है? ये मीटर रीडिंग कभी गलत बताता है, मीटर रीडिंग कम बता रहा है, लेकिन जैसे चलता है वो नॉर्मल हो जाता है अपने आप। बस एक ही प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम? और कुछ प्रॉब्लम को नहीं दिखा अभी तक। चलाने में सही लगता है? सब सही है। और एक और जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 1.5 लाख रुपया आपको लग गया इसका? हाँ जी। तो 1.5 लाख में मतलब क्या वैल्यू फॉर मनी आपको लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम होना चाहिए? 10-20 हज़ार थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा है। 10-20 हज़ार ज्यादा है? हाँ। एक 20-30 तक आती है तो सही रहती है ना? हाँ जी। लेकिन अभी मार्केट में ऑप्शन नहीं है तो क्या ही कर सकते? इलेक्ट्रिक स्कूटी तो चाहिए था। हाँ, तेल बचाना था, है ना? तेल बचाना था, कॉलेज वगैरह, टिफिन वगैरह लग चाहिए। हाँ जी। तो बाकी बात और कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्राइस थोड़ा 10-20 हज़ार कम हो जाता तो सही रहता, सब सही रहता देखने में। लेकिन ओला मतलब ये ओला बोले टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं लग रही है, लग रही है कि एकदम नॉर्मल स्कूटी है? नॉर्मल स्कूटी है। अच्छा, और सर्विस वगैरह तो इसमें बैटरी वाला है तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, सर्विस हुआ है? सर्विस नहीं हुआ है, ये शोरूम वाला बुलाया है, सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, पता नहीं क्या करेगा, वो बुलाया है। अच्छा, जाएंगे एक हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में बुलाया है, तो जाते हैं संडे को, नेक्स्ट संडे। और गारंटी वगैरह है कुछ इसमें? हाँ, वारंटी है 3 साल का बैटरी का। बैटरी का, और कुछ भी खराब होता है तो? और कुछ उसका 2 साल का वारंटी है कुछ इसका, कुछ और तो कुछ का 2 साल का, बैटरी का 3 साल का है ना? और कितना देर बैटरी चार्ज हो जाता है पूरा एकदम कंप्लीट? पूरा कंप्लीट 4.5 घंटे में, 4-4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। 4-4.5 में पूरा कंप्लीट चार्ज होता है। 4 घंटे में टी 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 बजने लगता है, ऐसे पता चलता है, बीप बीप बजता है, जैसे अलार्म है ना, वैसे धीरे धीरे बजेगा सो जाते होंगे। हाँ, तो बजता है तो पता चल जाता है कि फुल चार्ज हो गया, तो इसका यहाँ चार्जिंग पोर्ट से निकाल देते हैं। जैसे कि लेके कहीं जा रहे हैं? हाँ जी। तो कहीं फास्ट चार्जर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया नहीं गया सर्विस शोरूम वगैरह में? नहीं, वो तो नहीं, बस नॉर्मल चार्जर दिया गया है फोन के जैसे मिलता है। सर्विस स्टेशन बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो मेरे को पता नहीं, वो टीवीएस वाला जाने का। अब लॉन्ग टूर कैसे मारेंगे? लॉन्ग टूर के लिए तो नहीं, ये सिटी में घूमने के लिए है, नॉर्मल मेरा डे टू डे एक निकल जाएगा, तेल का खर्चा मेरे को लगेगा नहीं। वो तो सिटी के लिए रखे? हाँ जी। अच्छा। उसके लिए बुलेट है? बुलेट है। हाँ। अच्छा, बुलेट, और इसमें कौन सा चलाने में मजा आ रहा है आपको एकदम कम सही? इसमें ये लगता नहीं कि गाड़ी चला रहे हैं, शांत रहता है, पता नहीं चलता है, मजा आता है, फील आता है ना? हाँ, इसमें लगता नहीं है। ऑलमोस्ट लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं गाइस,